अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज का टॉपिक ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ कचरा नहीं होती। कौन सी चीज़ आपके कब काम आ जाए आपको खुद को कुछ नहीं पता होता। अब जैसे कि मेरा काम रिपेयरिंग का, आज मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये जैसे कि मैंने रखे हुए हैं ये टूटे हुए पैनल, आप सोच रहे होंगे ये पैनल किस काम आएंगे, क्यों रखे हुए हैं, क्या है क्या नहीं इसके पीछे रीज़न। मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसकी एक रिबन है, ये देख रहे हैं आप ये रिबन, ये इन केस अगर ये रिबन डैमेज हो जाती है सेम ऐसे ही किसी पैनल की, तो आप इसमें से निकाल के वो रिबन उसमें लगा सकते हो, समझे। ये जैसे कि ये तीन आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये लाइट है, ये कौन सी लाइट है, ये एलईडी लाइट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये लाइट। लास्ट टाइम ऐसा होता है कि मोबाइल बिल्कुल ब्लैंक होता है, नज़र नहीं आता, लोग बोलते हैं कि पैनल चले गया, पैनल नहीं जाता। ये जो लाइट है ना, ये लाइट इसकी रिबन डैमेज हो जाती है, कड़ी आती है, तो इसकी वजह से लास्ट टाइम पैनल भी नहीं आता, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये कि जैसे कि काफ़ी सारे मैंने रखे हैं ये पैनल, हाँ जैसे कि ये काफ़ी सारे पैनल है, देखिए डैमेज है, टूटे हुए ये जगह, लेकिन मैंने रखे हुए किस लिए, खाली ये। और सेम मैं आपको ये चीज़ दिखाने का मतलब ये है कि मेरे पास सेम एक केस कैसा ही आया हुआ है, जैसे कि ये पूरा मोबाइल है, ये कस्टमर का मोबाइल है मेरे पास आया है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी बैटरी मैंने निकाली, फिर आपके समझ आएगी। ये देखिए गाइस, जैसे कि ये पैनल से लग के यहाँ पे नीचे रिबन आ रही है, ये रिबन कहाँ जा रही है, इसमें चार्जिंग जैक का जो नीचे का ऑप्शन है, इसकी ये रिबन डैमेज हो गई, तो हम इसको निकाल के इनमें से किसी पैनल की रिबन में से निकाल के चेंज करेंगे। तो आज का मेरा समझाने का मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज़ कचरा नहीं होती, ऐसे फेंका मत करा करो, ठीक है ना। ये जो चीज़ है ये आपके कब काम आ जाए आपको खुद को नहीं पता होगा, ठीक है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि पूरा मोबाइल उठा के, यार अब तो ये कचरा हो गया, इनका तो दौर चले गया। तो दौर से याद आया कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना पुराना स्क्रैप पड़ा हुआ। आप जरा कैमरा इधर लो, ये देखिए, जैसे कि ये सारे मैं स्क्रैप रखता हूँ अपने पास, ये वो मोबाइल होंगे जो आपने शायद अपने बहुत पहले टाइम में देखे, ये कचरा है पूरा, लेकिन रखा हुआ किस लिए, क्या पता इसकी बैटरी का कोई कस्टमर आ जाए, क्या पता इसके कैमरे के लिए कोई आ जाए। और दूसरा ये आपको दिखा, ये नीचे केसिंग देखो, क्या पता किसी का बैक पाउच चाहिए हो या कुछ चाहिए हो, या केसिंग की कोई ऐसी चीज़ जो ना हो किसी के पास, जो शायद आना भी बंद हो गई हो, तो वो मैं दे सकता हूँ। मैं इसलिए स्क्रैप इकट्ठा करता हूँ, इकट्ठा करने से मुराद मेरा ये है कि भाई ये मोबाइल देख लो, जैसे कि ये मोबाइल है कितना पुराना है, 60-20, क्यों रखा हुआ है, क्या पता कोई पुराना बंदा आ जाए, किसी को इसकी चार्जिंग पिन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो। ये हाउसिंग, ये आप मार्केट में लेने जाओगे, हाउसिंग कितने की है, ये 1000 रुपये की पूरी हाउसिंग है, इनकेस तक के इसकी रिबन भी इतनी बहुत महंगी है। तो भाई मेरा समझाने का मतलब ये है आप लोगों को कि कोई भी चीज़ को कचरा मत समझा करो, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में आपको जो भी मेरे से रिपेयरिंग के हवाले से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने ऊपर रखे हुए स्क्रैप, ये मैंने स्क्रैप ख़रीदे हैं ये सारे कबाड़ियों वालों से। ये मोबाइल जैसे कि ये LCD नहीं है इसी, क्या हो सकता है कोई एक कस्टमर ऐसा आ जाए जिसको इसकी केसिंग चाहिए हो, या इसका स्पीकर लग जाए किसी में, या किसी को इसका बैक पाउच चाहिए हो, या किसी को इसका कीपैड चाहिए हो, समझ लो। अब जैसे कि ये मैंने रखे हुए, क्यों रखे हैं, खाली इसलिए रखे हैं ये। तो बस आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। ये मोबाइल मैंने 50 रुपये का लिया था, सही है, और मैंने इसको बना के कितने का, 1000 रुपये का दे दिया। कहाँ से लिया था, कबाड़िया से, समझ रहे हो आप लोग। तो बाकी अगली वीडियो में मैं आपको और बहुत कुछ समझाऊंगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।